मैं उत्तर प्रदेश के एक मर्दम खेज ज़िले आज़मगढ़ के एक छोटे से गांव मिजवा में पैदा हुआ। घर पर काश्तकारी भी होती थी, छोटी मोटी ज़मींदारी भी थी। मेरे वालिद ने बड़े भाइयों को कॉलेज में पढ़ने अलीगढ़ और लखनऊ भेज दिया, पर जब मेरी बारी आई तो अब्बा ने यह फैसला किया कि मुझे मजहबी तालीम दिलाई जाए। लखनऊ में शियों की सबसे बड़ी दरसगाह में मेरा नाम लिखा दिया गया। कुछ ही दिन बाद हमें स्ट्राइक करनी पड़ी, जिससे अरबाब इख्तदार बौखला गए। हमारी मांगे मान ली गईं, मगर मैं और मेरे चंद साथी मदरसे से निकाल दिए गए। आँख में खून बगावत, कल्ब में हुब वतन, आग तीखी चितवनों में, आखड़ियों में बांकपन, खुद सरापा अपने हर महकम इरादे का सबूत, हिंद की पूंजी वतन की लाज भारत का सबूत। सियासत और शायरी दोनों का जुनून बहुत तरक्की कर चुका था और तालीम अधूरी रह गई। मैं लखनऊ छोड़कर कानपुर चला गया और फिर बम्बई। वहाँ मुझे वो रास्ता मिला जिस पर मैंने ज़िंदगी का इतना लंबा सफ़र तय किया। हाथ आकर लगा गया कोई मेरा छप्पर, उठा गया कोई, लग गया एक मशीन में मैं भी, शहर में लेके आ गया। मेरा बचपन भी साथ ले आया, गांव से जब भी आ गया। मैं अक्सर रुमानी नज़में लिखता था। मैंने महसूस किया कि मज़दूरों के बीच रहकर शायराना तकल्लुफ़ की ज़बान नहीं चलेगी, मेरे नगमों को आसान और पुरअसर होना पड़ेगा। मज़दूरों से मेरा राबता था एकदम डायरेक्ट। मुझे इसका एहसास होने लगा कि मेरे जज्बात कहाँ उनके इनकलाबी हुकूक़ का साथ देते हैं और कहाँ वो उनके ख़िलाफ़ पढ़ सकते हैं। सन 1945-46 की बात है, कपड़ा मज़दूर यूनियन की एक स्ट्राइक के दौरान हम मिल फाटक पर थे कि अचानक एक नज़्म ज़हन में उभरी। क्या लिख रहे हो कॉमरेड कैफी, कल का भाषण? एक नज़्म सूझी है। वाह, फिर सुनाइए। ये इनकलाबी नज़्म है? नहीं। कोई बात नहीं। जब भी चूम लेता हूँ इन हसीन आँखों को, सौ चिराग अंधेरे में झिल मिलाने लगते हैं। फूल क्या शगुफे क्या, चांद क्या, सितारे क्या, सब रकीब कदमों पर सर झुकाने लगते हैं। रक्स करने लगती हैं मूर्तें अजंता की, मुद्दतों के लबस्ता गार गाने लगते हैं। फूल खिलने लगते हैं उजड़े उजड़े गुलशन में, प्यासी प्यासी धरती पर अब्र छाने लगते हैं। लम्हे भर को ये दुनिया जुल्म छोड़ देती है, लम्हे भर को सब पत्थर मुस्कुराने लगते हैं। क्या बात है, क्या बात है।
पता है हमारी स्ट्राइक सफल क्यों नहीं हुई? ये सब कॉमरेड कैफी की रंगीन तबीयत के कारण हुआ है। बजाय इसके कि इनकलाबी गीत लिखकर लोगों का हौसला बढ़ाते, वो इश्क और चुम्मे की बातें करके लोगों का जहन बांटने में लग गए। देखो कॉमरेड, ये बात ठीक नहीं। हम भी जानते हैं कविता किसे कहते हैं, और ये नज़्म हमें अच्छी लगी, इसकी वजह से स्ट्राइक असफल नहीं हुई, समझे आप? लम्हे भर को ये दुनिया जुल्म छोड़ देती है, लम्हे भर को सब पत्थर मुस्कुराने। सलाम। सलाम। कैफी आजमी तुम ही हो? जी हूँ तो, पर आप सब कहाँ से आई हैं? बैठो। क्या काम है मुझसे? हम सब फारस रोड पे पेशा करती हैं, चकले में। हमारी मालकिन हमें बहुत सताती हैं, ऊपर से हाजी मकान मालिक। तुम यूनियन बनाते हो ना, हमारे लिए भी बना दो। अपन पे बहुत जुल्म होने का, अपन को अपना हक चाहिए कि नहीं? उठ मेरी जान, मेरे साथ ही चलना है तुझे, कल्बे माहौल में लर्जा शरारे जंग है आज, हौसले वक्त के और जीस्त के यक रंग है आज। आप गीनों में तपा वलवलाए संग है आज, हुस्न और इश्क हम आवाज, हम आहंग है आज। जिसमें जलता हूँ उसी आग में जलना है तुझे, उठ मेरी जान, मेरे साथ ही चलना है तुझे। जिंदगी जहद में है, सब्र के काबू में नहीं, नब्ज़ हस्ती का लहू कांपते आंसू में नहीं। उड़ने खुलने में है निखत, खमे गेसू में नहीं। जन्नत एक और है जो मर्द के पहलू में नहीं। जन्नत एक और है जो मर्द के पहलू में नहीं। उसकी आजाद रविश पर भी मचलना है तुझे, उठ मेरी जान, मेरे साथ ही चलना है तुझे। मैं कैफी को एक टुक ऐसे देख रही थी जैसे ये नज्म उन्होंने मेरे लिए ही कही हो, और मैं ही उनके साथ चलने की हकदार हूँ। अपना पूरा किरदार मेरे सामने आ गया, खुद सर, खुददार, आजाद ख्याल, गलत बात के खिलाफ आवाज उठाने वाला। तक बुझी
ताला लग गया है। और हाँ कैफी साहब, आप शौकत को मुबारकबाद दीजिए, क्योंकि इनकी मंगनी हमारे मामूसाद भाई उस्मान से तय हो गई है और 3 महीने बाद इंशाल्लाह शादी हो जाएगी। मुबारक हो। 3 महीने बाद आपकी शादी हो जाएगी, फिर तो हम आपको याद भी नहीं रहेंगे। आप भी बंबई जाकर शादी कर लीजिए, शादी के बिना जिंदगी अधूरी रह जाती है। अब हम उम्र भर शादी नहीं करेंगे। जब कैफी को मेरे खत मिलने बंद हो गए तो उन्होंने अपने खून से एक खत लिखा। अब तक तुम्हारी मोहब्बत में आंसू बहाए थे, अब खून आगे आगे देखिए होता है क्या। मेरी शौकत, मुझे बताओ कि मेरा और मेरी मोहब्बत का क्या हश्र होगा तुम्हारा कैफी। देखो बेटा, ये शायर लोग बड़े रोमांटिक होते हैं, असल जिंदगी और शायरी में बहुत फर्क होता है। अब कौन जाने ये खत बकरे के खून से लिखा हो, तो खैर जो भी है मैं आपको बंबई ले चलूंगा, आप अपनी आंखों से उनकी जिंदगी देखिए और खुद फैसला कीजिए। तेलंगाना मुहिम के बाद कम्युनिस्ट पार्टी पर पाबंदी लग गई, बड़े बड़े लीडर जेल में ठूस दिए गए, जो बचे थे वो अंडरग्राउंड हो गए, मेरे नाम भी वारंट निकल चुका था। शबाना होने को थी मगर पार्टी को ये बात पसंद नहीं थी। देखो शौकत, कैफी अंडरग्राउंड है और आप भी बेरोजगार हैं, अब ऐसे में बच्चे की जिम्मेदारी कौन लेगा, इसलिए बेहतर है कि आप अबॉर्शन कराएं। मुझे ये बच्चा चाहिए और जैसे भी हो मैं उसे पालूंगी। पता चला जेल में भूख हड़ताल कर दी है, उनकी हमदर्दी में हमने एक बहुत बड़ा जुलूस निकाला। छोड़ दो, छोड़ दो। दादी भाई, कुर्सी छोड़ दो। छोड़ दो, छोड़
कैफी रात भर मुझे ढूंढते रहे। जब कम्यून पहुंचे तो मुझे वहां देखा और उनकी जान में जान आई। ओए तौबा, इतनी बड़ी मूछ, तुम तो कांस्टेबल लगते हो। तभी तो कोई पहचानेगा नहीं। दो साल बाद पार्टी पर से पाबंदी हटा दी गई। कैफी मजदूरों के लिए काम करते थे और अपने लिए काम भी ढूंढते रहते थे। एक दिन फिल्म के गाने लिखने के लिए बुलाया गया। कब चले हम फिदा, जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। फिल्मी दुनिया में जाकर मैं आम आदमी के संघर्ष को भूल नहीं गया, मगर जब कम्युनिस्ट इकाई टूट गई तो मेरे सजदे भी आवारा हो गए। एक यही सोज नेहा कुल मेरा सरमाया है। दोस्तों, मैं किसे ये सोज नेहा नजर करूं? कोई कातिल सरे मक्तल नजर आता ही नहीं। किसको दिल नजर करूं और किसे जान नजर करूं? तुम भी महबूब मेरे, तुम भी हो दिलदार मेरे, आशना मुझसे मगर तुम भी नहीं, तुम भी नहीं। खत्म है तुम पे मसीहा नफसी चारागरी, महरम दर्द जिगर तुम भी नहीं, तुम भी नहीं। अपनी लाश आप उठाना कोई आसान नहीं, दस्तों बाजू मेरे नाकारा हुए जाते हैं। जिनसे हर दौर में चमकी है तुम्हारी दहलीज, आज सजदे वही आवारा हुए जाते हैं। रोज बढ़ता हूं जहां से आगे, फिर वहीं लौट के आ जाता हूं। बार हाथ तोड़ चुका हूं जिनको, इन्हीं दीवारों से टकराता हूं। रोज बसते हैं कई शहर नए, रोज धरती में समा जाते हैं। जलजलों में थी जरा सी गर्मी, वो भी अब रोज ही आ जाते हैं। अपने हाथों को पढ़ा करता हूँ, कभी कुरान कभी गीता की तरह। चंद रेखाओं में, चंद सीमाओं में जिंदगी कैद है सीता की तरह। राम कब लौटेंगे मालूम नहीं, काश रावण ही कोई आ जाता। रोज बढ़ता हूँ जहाँ से आगे, फिर वहीं लौट कर आ जाता हूँ।